ओके सो गाइस, गुड मॉर्निंग, एक्चुअली गुड आफ्टरनून. इट्स नेक्स्ट डे ऑब्वियसली, एज यू गाइस कैन सी. एंड अभी टाइम हुआ है नियर अबाउट 3:30. आज हम लोग थोड़ा लेट उठे हैं बिकॉज हम लोग का प्लान आज एकदम नॉर्मल था. वी आर गोइंग टुवर्ड्स पंजिम साइड, तो हम लोग का यही प्लान था, तो इसलिए हम लेट उठे थोड़ा. सो नाउ वी आर रेडी. आई एम जस्ट वेयरिंग दिस प्लेन शर्ट एंड अयुक्ता भी रेडी हो रही है. सो यार, पंजिम ज़्यादा दूर नहीं है, इट्स नियर अबाउट हाफ आवर तो हम जाएंगे. एंड सुबह को भी हम लोग जस्ट उठे थे नियर 9, सो वी हैड अ ब्रेकफास्ट एंड जो बाइक थी मैंने वापस दे दी वो, बिकॉज आज हाफ डे में घर पे ही था. एंड अभी जा रहा हूँ खाली पंजिम, देन थोड़ा शॉपिंग करने हम जाएंगे एंड कल वी आर गोइंग बैक टू मुंबई. सो पंजिम में वी आर गोइंग, वहाँ पे 2-3 लेन है फॉर फोटोज, सो वहाँ पे हम जाएंगे टू ऑब्वियसली क्लिक सम गुड फोटोज. आपको वो फोटोज दिख जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम, सब जाके देख सकते हो. सो या विदाउट वेस्ट एनी फर्दर टाइम, लेट्स गो देयर एंड या लेट्स सी कि वो जगह कैसी है. Guys, here we have finally reached to this destination, and ये जगह का नाम है फाउंटेन है, कुछ नाम है. आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो इफ यू आर कमिंग टू गोवा एंड आपको कुछ फोटोजेनिक जगह चाहिए. सो या दिस इज अ वन, सो आप यहाँ पे आ सकते हो एंड यू कैन ट्राई आउट मैनी वॉल्स. यहाँ पे लाइन्स है, एज यू गाइस कैन सी वॉल्स हैं, देन यहाँ पे चर्च भी है. देन यू नो इफ यू कम हेयर, आप थोड़ा वॉक करोगे आपको मालूम पड़ जाएगा, इट्स अ नाइस प्लेस. एंड यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई आता नहीं है, यहाँ पे मैनी पीपल आर हेयर जो अपने फोटो शूट्स कर रहे हैं, काफ़ी आई गेस प्रोफेशनल शूट भी चालू है वहाँ पे. तो सो या दे आर मैनी पीपल मोर. सो आज या हम लोग यही बस एक्सप्लोर कर रहे थे एंड आज का डे थोड़ा नॉर्मल है बिकॉज आई डोंट नो व्हाई. ओके सो गाइस, अभी हम लोग डीकैथलॉन में हैं एंड शॉपिंग चालू हो गई है. एंड यहाँ का डीकैथलॉन एक्चुअली मैं क्यों आया, कॉज देयर वाज अ रीज़न, कॉज मैंने यहाँ पे डीकैथलॉन के बहुत सारे होर्डिंग्स देखे कि यहाँ पे काफ़ी वाइड रेंज में है. सो मैं आया एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे आपको डीकैथलॉन में A to Z मिलेगा. जो अपना मुंबई का डीकैथलॉन है वहाँ पर ये सब चीज़ें, मतलब बहुत चीज़ें तो है ही नहीं. सो या अगर आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चाहिए फ्रॉम डीकैथलॉन, सो यू कैन विजिट हेयर. यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं, मतलब बहुत कुछ है, मैं आपको दिखाऊंगा अगर हुआ तो. एक्चुअली हम थोड़ा जल्दी जल्दी में, बिकॉज कल वी आर लीविंग, सो आज शॉपिंग डे है पूरा. एंड यू गाइस नो कि शॉपिंग डे कैसे होता है, लाइक एकदम क्विक होता है. एंड या एंड हम दोनों को ही शॉपिंग करना पसंद है, तो झगड़ा हुआ रहा है कि अभी शॉपिंग कौन करेगा, अभी कौन करेगा. तो अभी दोनों की चालू हो गई है. सो आई बॉट 2 T-shirts एंड शी ऑल्सो बॉट समथिंग. सो या लेट्स गो एंड आई विल अपडेट यू कि अभी हम कहाँ जाएंगे. सो या ऑल राइट, सो गाइस फाइनली टाइम आ गया है, वी आर लीविंग फॉर मुंबई. बट अभी टाइम हुआ है 10:25. ट्रेन हमारी थी 10:08 की, अब तक ट्रेन आई नहीं है. इट वॉज शोइंग ऑन टाइम, तो हम पूरा भाग भाग के आए हैं. सो यार ट्रेन नहीं आई थी, तो आई थॉट कि मैं थोड़ा शूट कर लेता हूँ, बिकॉज मैं क्या करूँ रुक के. एंड सो मुझे ये पार्ट एक शूट करना था कि फाइनली वी आर गोइंग होम. हम लोग का ट्रिप, वी लव्ड इट अलॉट, मेरे को बहुत मज़ा आया, युक्ता को भी बहुत मज़ा आया, वी बोथ लव्ड इट अलॉट. एंड इफ यू आर प्लानिंग टू कम गोवा, यू कैन डेफिनेटली कम. यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, जस्ट आपको थोड़े बहुत प्रिकॉशन लेने हो. एंड अभी ट्रेन मेरी आ गई है, सो लेट मी बोर्ड टू द ट्रेन एंड आई टॉक टू यू गाइस लेटर.
Alright, so guys, it's 1:15 in the afternoon and train just रुकी है यहाँ पे and यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश पड़ रही है. फिर ट्रेन रुकी है विलवार या समथिंग कोई स्टेशन है यहाँ पे. एंड टू बी वेरी ऑनेस्टली ये जो ट्रेन है द फेस्टिवल स्पेशल, ये काफ़ी अच्छी ट्रेन है कंपेरेटिवली. लाइक जिसमें हम पहले आए थे वो थी मंगलदीप लक्ष्मीदीप, क्या पता था कुछ तो थी, इट वॉज मंगल लक्ष्मीदीप या सो. एंड उसमें हम लोगों ने बुक किया था कि मुझे सीट पसंद नहीं है कुछ, यहाँ पे हर इंसान आता जाता रहता है, बट ट्रेन काफ़ी अच्छी है. हम लोगों ने उससे बुक किया था 2 टायर एंड जो कि ऑब्वियसली इससे कॉस्टली था. एंड दिस ट्रेन इज मच फार बेटर देन दैट ट्रेन. एंड ये 3 टायर में करंटली मैं हूँ. ओके नाउ इसके बाद मुझे एक ज़रूरी पार्ट इस ब्लॉग में डालना था जो कि मैं भूल गया हूँ. एंड प्लीज़ इग्नोर दिस फ्रेम कॉज इट्स लिटरली 3 AM इन द मॉर्निंग और नाइट, आप जो भी बोलो. मैं ये ब्लॉग एडिट कर रहा था तो मुझे जस्ट अभी याद आया कि वो डालना चाहिए. सो या आई एम फिल्मिंग दिस वीडियो. सो बेसिकली मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आए थे कि जब मैं अपने घर पे आया तो स्टेशन पे कुछ टेस्ट वगैरह हुए कि नहीं हुए. सो लेट मी क्लियर यू. सो मैं उतरा था पनवेल स्टेशन पे विच इज़ इन मुंबई ऑब्वियसली. एंड वहाँ पे जब मैं उतरा एंड जब वी वेंट टूवर्ड्स दी एग्जिट, सो या देयर वर फ्यू ऑफिसर्स जिन्होंने हमसे पूछा कि हम लोग का नाम क्या है एंड हम लोग कहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं. टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग के टेस्ट वगैरह वहाँ पे हुए नहीं एंड हम लोग के साथ दूसरे लोग भी थे जो वहाँ पे उतरे थे, तो उन लोग के भी कुछ टेस्ट वगैरह नहीं हुए. बट आई थिंक वो किस किस के टेस्ट ले रहे थे बिकॉज वहाँ पे दूसरे लोग भी पीछे रुके हुए थे, आई डोंट नो. सो वी वर लकी इनफ कुछ टेस्ट वगैरह नहीं हुए. आप पनवेल उतर सकते हो. एंड या दैट्स इट. अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा सो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड इफ़ यू आर न्यू हेयर सो मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड प्लीज़ नीचे बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, उससे यू विल गेट अ नोटिफिकेशन जब मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूंगा. एंड या गोवा ब्लॉग की सीरीज खत्म हो गई एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी ये वीडियो बहुत लेट आया बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग इन माय लाइफ, आपको वो अपकमिंग ब्लॉग में मालूम पड़ेगा. सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लिंक्स आर गिवन बिलो, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो. दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. टिल देन पीस.